गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस योर फर्स्ट चैप्टर द बुक दैट सेव द अर्थ एंड वी वर रीडिंग योर सेकेंड सीन एंड वी हैव रेड दैट सेकेंड सीन एट पेज नंबर 4th एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट चैप्टर. हमने लास्ट में इस चैप्टर में क्या किया था, फर्स्टली हम उसे देख लेते हैं एक बार. हमने यहाँ पे किया था कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपने आप को सिटीजन्स ऑफ मार्शन जो कंसीडर कर रहे हैं, और उन्होंने जो अर्थ के बारे में वो कुछ बातें कर रही हैं. जो हमारा सेकंड सीन था उसमें वो क्या डिस्कस कर रही थी, व्हाट गैसेज आर मेड बाई थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ. उन्हें अर्थ पे कुछ बुक्स मिली थी और उनके बारे में वो डिफरेंट जो अपनी बातें जो मन में सोच रही थी उसके लिए जो गैसेज लगा रही थी उसके बारे में बात की थी. हमने देखा था कि वहाँ पे उन्हें लगता है कि कुछ उन्हें अर्थ से आता हुआ सीम्स हो रहा था उनकी तरफ. देन फिर वो अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं. ओमेगा स्पीकिंग इनटू अ डिस्क विच इज़ ऑन अ चेन अराउंड हर नेक. जो उसके नेक के अराउंड जो एक चेन थी उसमें जो डिस्क थी उसमें वो स्पीक कर रहा था ओमेगा टू मास स्पेस कंट्रोल. और वो किससे कर रहा था, मास स्पेस कंट्रोल से कर रहा था. न्यूटन एंड लोटा सर्जेंट ओप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट. और उन्होंने बोला न्यूटन एंड लोटा सर्जेंट ओप, और वो उन्होंने जो बोला था कैप्टन ओमेगा, उन्होंने बोला कि हम जो है अर्थ पे पहुंच चुके हैं विदाउट किसी भी इंसिडेंट के. वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस इंडिकेट्स रूम. और हमने यहाँ पे क्या है, जो शेल्टर है दैट मीन्स जो रहने का है, रहने के लिए जो हमने यहाँ पे शेल्टर यानी कि कोई जगह भी ले ली है. दिस स्क्वेयर प्लेस, और उन्होंने रूम को इंडिकेट करते हुए कहा कि यह एक स्क्वेयर प्लेस है. हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर, क्या आपको कोई आइडिया है कि हम कहाँ पर हैं, वो ल्यूटिनेट लोटा कैप्टन ओमेगा से पूछते हैं. लोटा आई कॉन्ट फिगर इट आउट, वो बोलते हैं कि मैं इसे फिगर आउट नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज़ है. कैप्टन होल्डिंग अप अ बुक, जो कैप्टन है वो अपनी बुक को होल्ड करते हैं उसको. आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पिकुलियर आइटम्स. पिकुलियर का मतलब होता है जो चीज़ें नॉर्मल ना हो, कुछ डिफरेंट उन्हें दिखाई दे रही हूँ. उन्होंने बोला कि मैं 2000 इन जो अब नॉर्मल ये चीज़ें हैं उन्हें काउंट कर चुका हूँ. दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न, इस प्लेस के पास कुछ ना कुछ स्टोरेज मतलब जो स्टोर किया हुआ खलिहान है वो है. What do you think, सर्जेंट ऑप, आप क्या सोचते हैं ऑप. आई हैवंट अ क्लू, मेरे पास कोई क्लू नहीं है. आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज बट आई हैव नेवर सीन एनी थिंग लाइक दिस. उन्होंने कहा कि मैं 7 गैलेक्सीज को देख चुका हूँ या मैं वहाँ पर जा चुका हूँ, बट मैंने ऐसा कभी भी कुछ पहले नहीं देखा. मे बी दे आर हेड्स, शायद हो सकता है कि ये हेड्स हों. ही ओपन्स अ बुक एंड पुट्स ऑन हिज हेड, और अपने हेड पर इन्हें पुट करते हैं. से मे बी दिस इज़ अ हार्बर डेस्टरी. हार्बर डेस्टरी का मतलब होता है द आइटम्स दैट आर यूज इन स्विंग. आपको पता है जो स्विंग में जो कपड़े सीलने के लिए चीज़ें यूज़ की जाती हैं उन आइटम्स की उन्होंने एक शॉप बोला. उन्हें लगता है कि शायद वो उस चीज़ की शॉप हो सकती है. ओमेगा बोइंग लो, वो क्या करते हैं अपना सिर नीचे जो करते हैं. परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ दिस हिज थॉट ऑन द मैटर. वो बोलते हैं कि शायद हमें नहीं पता, शायद हो सकता है जो ग्रेट और माइटी थिंक टैंक है वो हमें कुछ अपने जो उनके थॉट्स हैं उसका बेनिफिट दे सकें इस मैटर पर, दैट मीन्स हमें कुछ बता सकें. थिंक टैंक एलिमेंट्री दैट मीन्स यहाँ पे ईजी है एलिमेंट्री का मीन. माई डियर ओमेगा होल्ड ऑन ऑफ द आइटम्स अप टू दैट आई मे व्यू इट क्लोजली. उन्होंने बोला कि इसे होल्ड करो, इस आइटम को मैं इसे क्लोजली देखता हूँ, बहुत क्लियरफुली देखता हूँ. ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द पाम ऑफ अ हैंड, वो अपने हथेली पे उस बुक को रखता है. यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ, मैं समझता हूँ. सिंस अर्थ क्रिएचर आर ऑलवेज ईटिंग द प्लेस इन विच यू फाइंड यूर सेल्फ इज अनडाउटली अ क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड. उन्होंने बोला कि जो अर्थ के लोग हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो उन्होंने जो प्लेस खुद ने देखा है शायद वो क्या हो सकता है, अनडाउटली एक क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड हो सकता है. क्रूड का मतलब है जिसके बारे में उनके पास ज़्यादा डिटेल ना हो, रिफ्रेशमेंट दैट मीन्स जो खाने वाला स्टैंड है वो हो सकता है. टू लोटा एंड ऑफिस हेज वी वर इन अ रिफ्रेशमेंट स्टैंड, कि हम एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड में हैं. वेल द अर्थलिंग सर्टनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट, उन्हें बोला कि जो अर्थ के लोग हैं उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ अजीब खाने के लिए होता है. थिंक टैंक दैट आइटम इन आवर हैंड इज कॉल्ड अ सैंडविच, जो हमारे हैंड में आइटम है उसे सैंडविच कहते हैं. ओमेगा नूडलिंग अ सैंडविच, लोटा नूडलिंग अ सैंडविच, ओ टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैंड अ सैंडविच. वो सब सरप्राइजली बोलते हैं कि एक सैंडविच है, सैंडविच.
थिंक टैंक सैंडविच आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट, दैट मीन्स जो स्पेशल फूड है अर्थ की डाइट का, वो उन्होंने बताया कि यह शायद अर्थ की डाइट का एक बहुत सा स्पेशल फूड है। लुक एट इट क्लोजली, उसके ऊपर बहुत क्लोजली देखते हैं। ओमेगा सिक्वेंस एट बुक, जो बुक है वो बुक को तिरछी नज़र से देखता है। देयर आर टू स्लाइसेज ऑफ वट इज़ कॉल्ड ब्रेड, यहाँ पे टू स्लाइसेज हैं जिन्हें ब्रेड कहते हैं, एंड बिटवीन देम इन सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग, और दोनों ब्रेड के बीच में कुछ ना कुछ फिल किया गया है। ओमेगा दैट इज़ करेक्ट सर, थिंक टैंक टू कन्फर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट, मैं आपको ऑर्डर देता हूँ कि आप इसे खाओ। ओमेगा गल्पिंग ईट इट, दैट मीन्स वो उसे निगलते हैं, खाते हैं। थिंक टैंक डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, क्या आपको कोई डाउट है? ओमेगा ओ नो नो, बट पुअर ल्यूटिनेंट लोटा हैज नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट, यहाँ पे ल्यूटिनेंट लोटा एक लेडी के लिए है, उन्होंने बोला है कि जो बेचारी ल्यूटिनेंट लोटा है उनके पास कोई ब्रेकफास्ट नहीं है। ल्यूटिनेंट लोटा आई ऑर्डर यू टू ईट दिस दिस सैंडविच, मैं आपको ऑर्डर देता हूँ कि आप इस सैंडविच को खा लो। लोटा ड्यूबियसली दैट मीन्स ऑब्वियसली, ईट इट इसे खाओ। ओ कैप्टन इट इज़ अ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट अ सैंडविच आई एम श्योर, वो देखते हैं कि यह बहुत ही बड़ा ऑनर है, यानी कि दैट मीन्स सम्मान है कि जो फर्स्ट मार्शियन है वो एक सैंडविच को खा रहा है, दैट मीन्स जो सिटीजन है मार्स का वो सैंडविच खा रहा है। आई एम श्योर, बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट एज टू ईट बिफोर माई सर्जेंट, और लेकिन वो बोलती है कि मैं श्योर हूँ बट ये मैं इतनी भी इम्पोलाइट नहीं हो सकती कि मैं अपने सर्जन से पहले उस सैंडविच को खा लूँ। हैंडिंग ओप द बुक एंड सेइंग ब्राइटली, वो ओप को बुक हैंड करती है और उसे ब्राइटली मतलब बहुत ही क्लेवरली कहती है, सर्जेंट ओप आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली, और मैं आपको ऑर्डर देता हूँ कि आप इस सैंडविच को इमीडिएटली खाओ। ओप मेकिंग अ फेस, हु ल्यूटिनेंट, मी ल्यूटिनेंट, वो बोलता है कौन मैं? लोटा एंड ओमेगा सल्यूटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ मास ऑफ, वो क्या देखते हैं कि वह उसे सल्यूट करते हैं किसके लिए, जो उनके लिए जो उनका प्राउड है उसके लिए, मास का जो प्राउड है उनके लिए उसके लिए। ऑफ येस ऑफ कोर्स अनहैप्पली, वो उसे बोलता है येस बट बिना खुश हुए। इमीडिएटली जल्दी, ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, वो अपना मुँह बहुत ज़्यादा खोलते हैं। ओमेगा एंड लोटा वॉच हिम ब्रीथलेसली, और उसे बिना सांस लिए देखते हैं। He bites down on a corner of the book, और वो क्या करते हैं, एक बाइट देते हैं किस पर, बुक के कॉर्नर पर। एंड पेंटोमाइम्स, इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ बिना साउंड के करना, दैट मीन्स ऐसा कुछ भी काम करना लेकिन चुप रहना, तो वो जो पेंटोमाइम्स का मतलब है वो च्यूइंग, मतलब उसे चबाते हैं बिना आवाज़ किए। एंड स्लोइंग वाइल मेकिंग टेरिबल फेसेस, वो उसे चबाते हैं और निगलते हैं, स्वलिंग का मीन्स है वो उसे निगलते हैं और क्या बनाते हुए, टेरिबल सा फेस बनाते हैं जो वो उसे खाते हैं। ओमेगा वेल ऑफ लोटा, वेल ऑफ ऑफ कफ्स, वो खांसते हैं। ओमेगा एंड लोटा पाउंड हिम ऑन द बैक, और वो क्या करते हैं, ओमेगा और लोटा जो उसकी पीठ है उसे थपथपाते हैं जब वो उन्हें कफ होती है। थिंक टैंक वॉज इट नॉट डिलीशियस सर्जेंट ऑफ, क्या ये डिलीशियस या टेस्टी नहीं था? ऑफ सैल्यूटिंग दैट इज़ करेक्ट सर, इट वॉज नॉट डिलीशियस, ये डिलीशियस बिल्कुल भी नहीं था। I don't know how the earthling can get those sandwiches down without water. They are dry as Martian dust. उन्होंने बोला पता नहीं जो अर्थ के लोग हैं वो सैंडविच को विदाउट पानी कैसे खा जाते हैं, ये तो बिल्कुल जैसे मार्शियन में डस्ट है उसके जैसे ड्राई है। नूडल्स सर, सर गेट एंड माइटी थिंक टैंक आई बैग योर पार्डन, मुझे आपकी पार्डन का मतलब है यहाँ पे फॉरगिवनेस, दैट मीन्स मुझे आपका क्षमादान चाहिए। बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डाटा फ्लोटेड इनटू माय माइंड अबाउट दूज सैंडविच, पर एक जो ऐसा है मतलब ऐसा इनसिग्निफिकेंट डाटा है, बेतुका सा डाटा है जिसके बारे में, इस सैंडविच के बारे में मेरे माइंड में आ रहा है। थिंक टैन इट कैन बी वर्थ मच, क्या इसका मतलब कोई भी महत्व नहीं होगा, बट गो अहेड आगे जाओ, गिव अस यू ट्रिफलिंग बिट ऑफ डाटा, ये जो आप क्या है जो आपने बोला है कि आपके डाटे की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो आप इस अनवैल्यूएबल डाटा को हमें बताओ। नूडल वेल सर आई हैव सीन सर्वेयर फील्स ऑफ दूज सैंडविच, सर्वेयर अपने जैसे सर्वे बोलते हैं, सर्वे का मीन्स किसी चीज़ का एग्जामिन करना होता है, तो उन्होंने बोला है कि मैंने इस पर इस सैंडविच की ऐसी बहुत सी मूवीज़ देखी हैं, फिल्म से देखी हैं। आई नोटिस्ड दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट ईट देम, वो इसे खाते नहीं थे, दे यूज्ड देम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, और वो उसे कम्युनिकेशन डिवाइस की तरह यूज़ करते थे, दैट मीन्स बातें करने के लिए यूज़ करते थे। थिंक टैंक हॉफ्टली विदाउट एटीट्यूड, मतलब उसने कोई एटीट्यूड नहीं दिया, वो घमंड के तरीके से नेचुरली
दैट वॉज माई नेक्स्ट पॉइंट, ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट था, दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस। उसने बोला कि हाँ ये मतलब उन्होंने जब नूडल ने बोला तो उन्हें थोड़ा ऐसा हुआ कि हाँ इसने कुछ डिफरेंट बताया है, तो वो थोड़ा सा घमंड से या एटीट्यूड से बोलते हैं कि ये मेरा ही नेक्स्ट पॉइंट था, एक्चुअली ये क्या है, एक कम्युनिकेशन सैंडविच है। थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग, थिंक टैंक कभी भी गलत नहीं हो सकते, हु इज़ नेवर रॉन्ग, कौन कभी गलत नहीं हो सकता। सैल्यूटिंग ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग, तब नूडल बोलता है कि जो ग्रेट और माइटी थिंक टैंक है वो कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं। थिंक टैंक डियर फॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, मैं आपको ऑर्डर देता हूँ कि आप इसे सुनो। ओमेगा लिसन टू देम, लोटा एंड ऑफ टू ईच अदर, पजल्ड लिसन टू देम, वो फिर बोलते हैं, वो दोनों पजल होते हैं और बोलते हैं इसे सुनो। थिंक टैंक डू यू हैव मार्बल्स इन योर आईज इन योर ईयर्स, क्या आपके जो ईयर्स है उसमें मार्बल्स है, दैट मीन्स कोई कांच है। आई सेड लिसन टू देम, मैंने कहा इसे सुनो। मार्शियंस बो वेरी लो, जो उसके सिर हैं वो बहुत ही मतलब लो, बहुत लो तरीके से नीचे झुक जाते हैं। अमोग इट शैल बी डन सर, ये जरूर होगा सर। दे ईच टेक टू बुक्स फ्रॉम द कीज एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स लिसनिंग इंटेंशली, वो क्या करते हैं कि बुक्स को उठाते हैं। ये कोई रियलिटी में सैंडविच नहीं था, या फिर ये जो बोल रहे हैं वो रियलिटी में नहीं था, वो उनकी बुक पे सिर्फ एक डायग्राम बनाया हुआ था, उसी को देखकर वो ये सब चीज़ें बोल रहे थे। यहाँ पे अगर उन्होंने कहा कि सैंडविच को सुनो, तो उन्होंने क्या किया, दो बुक्स ली, अलग अलग बुक्स ली जिसमें उसके डायग्राम्स बने हुए थे, और उन्हें अपने कानों के पास होल्ड किया, लिसनिंग इंटेंटली मतलब केयरफुली सुनने के लिए। लोटा विस्परिंग टू ओमेगा, उससे धीरे धीरे बोलता हुआ, डू यू हियर एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ सुनता है। लोटा विस्परिंग बैट नथिंग, डू यू हियर एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ सुनाई देता है। ऑप ऑप लाउडली, नॉट अ थिंग, कुछ भी नहीं। ओमेगा एंड लोटा जंप इन फ्राइट, दैट वो एक फियर में आ जाते हैं। ओमेगा एंड लोटा शश, दे लिसन इंटेंटली अगेन, यहाँ पे उन्होंने बोला उसे केयरफुली दोबारा से सुनो। थिंक टैंक वेल वेल रिपोर्ट टू मी, व्हाट डू यू हियर। थिंक टैंक बोलता है इसे केयरफुली सुनो और बाद में मुझे रिपोर्ट करो। ओमेगा नथिंग सर, परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रिक्वेंसी, शायद हम करेक्ट फ्रिक्वेंसी में ही नहीं हैं। लोटा नथिंग सर, परहैप्स द अर्थलिंग हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू, लगता है कि जो अर्थलिंग्स हैं उनके पास ज़्यादा अच्छे ईयर्स होते हैं हमारे कंपेरिजन में, इसलिए वो इन चीज़ों को सुन पाते हैं। ऑफ आई डोंट हेयर अ थिंग, मैंने एक भी चीज़ नहीं सुनी। मे बी दीज सैंडविचेज डोंट मेक साउंड, शायद ये जो सैंडविच है वो साउंड नहीं बनाता है। थिंक टैंक वॉट डज समबॉडी सजेस्टर द माइकी, थिंक टैंक हैज़ मेड अ मिस्टेक, उन्होंने कहा कि क्या जो समबॉडी किसी ने सजेस्ट किया है माइटी थिंक टैंक को कि उन्होंने एक मिस्टेक की है। ओमेगा ओ नो सर, नो सर, वी विल कीप लिसनिंग, हम सुन रहे हैं। नूडल प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी यूर ब्रिलियंस, उसे बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी हमारे जो ब्रिलियंस है, बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ ट्रिवलिंग अराउंड इन माई हेड, देन वो सिर्फ उस चीज़ को प्रटेंट करने के लिए बोल देते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्लाउडी पीस है इन्फॉर्मेशन का, जो कि बहुत ही ट्रिफलिंग का मतलब है जो कि बहुत तेज़ी से घूम रहा है मेरे सर के चारों तरफ, दैट मीन्स वो मूविंग कर रहा है बहुत स्पीडली। थिंक टैंक वेल ट्रिल इट आउट, इसे बाहर निकालो। नूडल एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, और मैं इसे आपके लिए क्लैरिफाई करूँगा। नूडल आई सीम टू रिकॉल दैट द अर्थलिंग्स डू नॉट लिसन टू द सैंडविच, दे ओपन देम एंड वॉच देम, फिर वो बोलते हैं कि शायद मुझे लग रहा है कि ये जो अर्थलिंग होते हैं वो इसे सुनने के लिए यूज़ नहीं करते सैंडविच को, बट वो इसे ओपन करते हैं और सिर्फ देखते हैं। थिंक टैंक यस दैट इज़ क्वाइट करेक्ट, शायद ये सही है। आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू, मैं आपको आपके लिए इसे क्लैरिफाई करूँगा। कैप्टन ओमेगा दूस सैंडविचेज आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, दे आर फॉर आईज कम्युनिकेशन, वो बोलते हैं कि शायद ये ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, ये देखने के लिए, दैट मीन्स ये आई कम्युनिकेशन के लिए है। नाउ कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविचेज ओवर दे, इसे जो ये लार्ज और कलरफुल सैंडविच है उसके बारे में बोलते हैं, उसे ले लेते हैं। इट अपीयर्स टू बी इम्पोर्टेंट, टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिख रहा है, सीम हो रहा है, और आपने यहाँ पे टेल मी, मुझे बताओ तुमने क्या ऑब्जर्व किया है। ओमेगा पिक्स अप अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गॉज होल्डिंग इट सो दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल, तो ओमेगा क्या पिक करता है, एक बहुत ही बड़ी जो लार्ज बुक होती है मदर गॉज की, उसे होल्ड करता है सो दैट जो ऑडियंस है वो भी इस टाइटल को देख सके, जो कि उस म्यूजियम में जितनी भी वो ऑडियंस बैठी हुई थी, ताकि वो भी उसे देख सके। लोटा लुक ओवर हर लेफ्ट शोल्डर, वो अपने लेफ्ट शोल्डर पर देखता है, एंड द ऑप पियर्स ओवर हर राइट शोल्डर, और जो ऑप है वो उसके राइट शोल्डर पर बहुत ही केयरफुली देखता है। ओमेगा इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग, या मुझे लग रहा है ये अपीयर हो रहा है कि ये किसको कंटेन कर रहा है, ये बुक
जो पिक्चर्स है अर्थलिंग्स की उसे कर रहा है कंटेन, दैट मीन्स वो जो पिक्चर्स है अर्थलिंग की उसमें इंक्लूड है उस बुक में। लोटा जे सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, क्या यहाँ पे कुछ कोड के सॉर्ट हैं, दैट मीन्स कह सकते हैं किसी प्रकार का यहाँ पे कोई कोड है। थिंक टैंक शार्पली इंटरेस्टेड, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखते हैं तेजी से कोड, वो उन्हें क्वेश्चन पुट करते हुए पूछता है क्या कोड। आई टोल्ड यू दिस वॉज इम्पोर्टेंट, डिस्क्राइब द कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, कोड को डिस्क्राइब करो। और इट्स लिटल लाइन्स एंड द स्विगल्स एंड डॉट्स, स्विगल्स का मतलब होता है जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन्स होती हैं वो, थाउजेंड्स ऑफ देम अलॉन्ग साइड द पिक्चर, कि उन्होंने बोलता है कि यहाँ पे लिटल लाइन्स हैं, टेढ़ी मेढ़ी लाइन्स हैं और डॉट्स है, और यहाँ पे थाउजेंड ऑफ देम अलॉन्ग साइड द पिक्चर्स, और पिक्चर से साथ यहाँ पे बहुत सी हज़ारों में ये सब चीज़ें हैं। थिंक टैंक परहैप्स द अर्थलिंग आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट, उन्होंने बोला है शायद जो अर्थलिंग्स हैं वो इतने भी पुराने नहीं हैं, इतने भी आदिकाल के नहीं हैं जितने हम उन्हें सोच रहे हैं। वी मस्ट ब्रेक द कोड, हमें कोड को ब्रेक करना चाहिए। नूडल फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करो, योर क्लेवरनेस, बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव अवर स्पेस पीपल विटामिन्स टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस, उन्हें लगता है कि शायद जो केमिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने हमारे जो स्पेस के लोग हैं उन्हें विटामिन्स नहीं दिया किसको इंक्रीज़ करने के लिए, उनके इंटेलिजेंस को इंक्रीज़ करने के लिए। ओके स्टूडेंट, इन योर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट योर दैट चैप्टर कंटिन्यूसली। थैंक यू स्टूडेंट्स।